दोस्तों, यदि आपका इस लिस्ट में नाम होता है तो आपके खाते में 2.5 लाख रुपए सरकार देगी। और नई लिस्ट आ चुकी है, सभी के खाते में 2.5 लाख रुपए जा चुके हैं। अगर आपका इस लिस्ट में नाम नहीं है और आपके पास आधार कार्ड है, बैंक खाता संख्या है, तो आप इस लिस्ट में नाम जोड़ सकते हैं। आपको नाम कैसे जोड़ना है इस वीडियो में मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो यहाँ पर दोस्तों नई सूची आ चुकी है, आपको लिस्ट कैसे चेक करना है इस वीडियो में पूरा बने रहेगा। वीडियो को स्किप मत करेगा, वीडियो को लास्ट तक देखते रहेगा। तो सबसे पहले आपको इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना है। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, हर जगह आपको शेयर करना है, वीडियो को फैला देना है ताकि आपकी बात प्रशासन तक पहुंचे, अगर आपका लिस्ट में नाम नहीं है तो। और यहाँ पे कमेंट में आपको कमेंट करना है आपका नाम क्या है, आपका गांव का नाम क्या है, आपका जिला क्या है, आपका बैंक कौन सा है, ये आपको यहाँ पर डिटेल भरना ताकि आपकी बात प्रशासन तक पहुंचे और आपका लिस्ट में नाम जुड़कर आपको 2.5 लाख रुपये का बेनिफिट मिले अगर आप गरीब हैं तो। सबसे पहले आपको करना क्या है दोस्तों, आपको यहाँ पर नई लिस्ट आ चुकी है ग्रामीण आवास योजना की, आपकी आवास योजना की नई लिस्ट आ गई है। तो इस लिस्ट में नाम चेक करने के लिए, अपने गाँव का लिस्ट में नाम चेक करने के लिए आपको करना क्या होगा, स्पेशली आपको अपने फोन में इस पेज को ओपन करना होगा। दोस्तों यहाँ पर चलिए मैं आपको वेबसाइट का लिंक बता रहा हूँ, अगर आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट आप इस पेज पे आ जाते हैं और इस पेज में आप अपना डिटेल, अपने गांव का नाम डालकर लिस्ट में नाम चेक कर लेंगे। तो उस वेबसाइट की मदद से, उस लिंक की मदद से आप अपना लिस्ट में नाम जोड़ भी सकते हैं। तो उस लिंक को, उस वेबसाइट को ओपन करने के लिए आपको क्रोम ब्राउजर ओपन करना है और गूगल में आपको सर्च करना है टेक्नो राशि आवास। स्पेलिंग को ध्यानपूर्वक आप देख लीजिएगा, यही चीज आपको गूगल में सर्च करना है और आपको ये लिंक यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ मिलेगा प्रधानमंत्री आवास योजना 2020-21 की नई सूची में नाम कैसे देखें। आप इस लिंक पे क्लिक कर देंगे, लिंक पे क्लिक करके आप इस पेज पे आ जाएंगे और इस पेज पे आने के बाद यहाँ पे ग्रामीण आवास योजना पे टिक कर देना है, क्लिक कर देना है। उसके बाद अब आपको अपना स्टेट यहाँ पे डाल देना है, जो भी आपका स्टेट है। उसके बाद आपको अपना जिला डाल देना है, जो भी आपका जिला है। उसके बाद फाइनली आपको अपना ब्लॉक डाल देना है। ब्लॉक डालने के बाद अब आपको अपने गाँव का नाम डाल देना है। गाँव का नाम डालने के बाद यहाँ पे कैलकुलेशन का 50+21 यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 71। ये आपको इस तरीके से करके सबमिट वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इतना काम करते हैं यहाँ पे देखिए लिस्ट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर पंचायत नेम है, ब्लॉक नेम है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, बेनिफिशियरी नेम है। यहाँ पे काफी लोगों को इस गांव में इस लिस्ट में नाम मिला है और यहाँ पर 2.5 लाख रुपया सभी को यहाँ पे मिल गया है। तो इस प्रकार से आप अपने गाँव का लिस्ट में नाम चेक कर अपना वहाँ पर नाम चेक कर सकते हैं और यहाँ से इस लिस्ट को आप PDF फॉर्मेट डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आपका बाई चांस उस लिस्ट में नाम नहीं होता है तो आप नाम जोड़ने के लिए आपको यहाँ पे क्रोम ब्राउजर में ही टेक्नो राशि आवाज जब आप सर्च करके गूगल में सर्च करेंगे तो आप इस लिंक पे क्लिक करके आप अपना लिस्ट में नाम भी जोड़ सकते हैं। प्रोसेस भी बताया गया है। थैंक यू सो मच।